आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम देखने वाले मुखड़ा दिखा जो जो सॉन्ग आया है और जिसको गाया है अभी अरोरा सर ने। बहुत महीने बाद उन्होंने एक सॉन्ग गाया है और मतलब कोई प्रोड्यूस वोड्यूस सब किया है तो उनकी खुद की चैनल पे ही आया है। पर वो जो सॉन्ग है वो बहुत ही मेलोडियस है। मैंने थोड़ा सा देखा है, सच बोल रहा हूँ क्योंकि सब मैं नहीं देखता, पर इस सॉन्ग को मैंने थोड़ा सा देखा है तो जो है वो है बराबर। हमने देखा तो बोल दिया, ने कहा आप भी देखा है। तो इस सॉन्ग को हम आज उसका रिएक्शन और रिव्यू देखने वाले हैं कि कैसा सॉन्ग है, कैसी मेलोडी है, क्या क्या अंदर एड किया है बराबर। आप हमारे चैनल पर जो नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे हमारी कोई भी नई नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो का रिएक्शन। मुखड़ा दिखा दो अभी अरोरा। सनु मुखड़ा दिखा दो भाई साहब, क्या मतलब वाइब मस्त आ रही है। और काफ़ी महीनों बाद इनका जो सॉन्ग है, उनका जो आवाज़ है वो सुनने को मिला ना तो बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि एक जो आर्टिस्ट है वो मतलब कि हाँ उनका काम तो चल रहा होगा और भी कुछ काम होगा, पर ये बहुत ही अमेजिंग इनका जो गाना होता है यार, मैं पागल हो जाता हूँ सुन के। अभी जो बचपन का प्यार पे के ऊपर उन्होंने बनाया था लास्ट में, उसके बाद आई थिंक यही सॉन्ग है उनकी चैनल पे। हमने इसका टाइटल नहीं देखा, वो हम बाद में देख लेंगे। पहली बार गलती हुई कि पहले हमने टाइटल नहीं देखा। जो वाइब है वो बहुत ही अलग तरीके की वाइब आ रही है। ये अभी स्टोरियों पे बहुत ही झूम लेगा, ये सॉन्ग झूमने वाला है। लख के ले दो स्टोरीज पे, स्नैप्स पे, फिर स्टेटस पे, सब पे ये सॉन्ग अभी कवर कर लेगा। जैसे ही यहाँ पे बोलते हैं कि सनु मुखड़ा दिखा दो जदु तेनु पहली बार यादो, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्रेम है अलग फ्रेम है, यूट्यूब की फ्रेम नहीं है, पर इन्होंने आई थिंक 4K होगा, पर ये जो फ्रेम होती है ना 16:9 ऐसी फ्रेम नहीं है, अलग थोड़ी सी छोटी फ्रेम है। यूट्यूब पे भी आपको ऐसे ही फ्रेम मिलेगी। सो यहाँ पे अभी रविशा सर दिख रहे हैं आप। मैं यहाँ पे बोल रहा है कि दूर खड़ी हंस दी रहती है और मतलब बहुत क्यूट लग रही है भाई साहब, मस्त लिरिक्स है। देखा आपने प्र, प्र, जो है ये जो गाने को मतलब कि हिट बनाना है तो ऐसा कुछ डालो कि पूरा गाने का जो है ना मतलब कि मजा आए सुनने में। कुछ कोई भी सॉन्ग ले लो उसके अंदर ऐसा कुछ डालेंगे कि उस सॉन्ग को उस जो वहाँ पे जो डाला है उस लूप को मतलब कि कुछ तो ऐसा डाला है जिसके लिए आप पूरा सॉन्ग देखोगे और पूरा सॉन्ग ऐसे हिट होता है। यहाँ पे कुछ डाला है पर जो है वो डाला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो थीम्स है जो डांसिंग के उन्होंने थीम्स रखी है वो बहुत ही अच्छा, और मतलब अलग अलग थीम्स है। एक ये है, फिर वो बाहर घूम रहे वो थीम है, और एक अभी बीच में भी सोफ़ा वाली थीम आई थी तो बहुत ही अच्छी थीम लगी। और यहाँ पे इनका जो आवाज़ है वो अलग, वो हर सॉन्ग में इनकी ऐसा ऐसा ही आवाज़ रहता है, पर आई थिंक थोड़ा सा पिच करके रखते हैं हर सॉन्ग में, हर मतलब कि म्यूज़िक में, हर उनका जो म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर उसकी वजह से उनकी जो आवाज़ है वो पूरी बदल जाती है। इसके का बुखार चढ़ गया है। और यहाँ पे जो एक्ट्रेस है उनको मैंने पहली बार देखा है ऐसे सॉन्ग में, तो आई थिंक अभी इनका आई थिंक डेब्यू वेब्यू होगा, तो मैं जानता नहीं हूँ, कभी देखा नहीं है ऐसे पंजाबी सॉन्ग्स में, तो अब देखने को मिल सकते हैं। यस भाई साहब ये देखो थीम, पीछे लाइट्स वाइट है, पर्दे ऐसे सजाए कि थोड़ा सा ग्रीनिश सॉरी रेड रेड वाला थोड़ा सा सीन आए, और इनको पहना है ब्राउन कलर का जो है शर्ट पहना है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लाइट भी वहाँ से ऐसे आ रही है तो पार्शियली थोड़ा थोड़ा लाइट में दिख रहा है तो थोड़ा सिनेमेटिक और मस्त लग रहा है। ये देखो इनको भी मतलब कि थोड़ा पिंक है, ये देखो फिल्टर मस्त लग रहा है। यहाँ पे जब भी इनका जो कैमरा है वो सीन आता है तब भी यही मतलब कि जो है
फिल्टर लगा देते हैं तो अलग हो रहा है कि ये सीन यहाँ पे लिया गया है। ओके सो सॉन्ग तो बहुत बढ़िया है, इसका जो नाम है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। मुखड़ा दिखा दो अबीर अरोरा ऑफिशियल वीडियो, हर वेजी न्यू पंजाबी सॉन्ग 2022, 180p बराबर 180p में है ये सॉन्ग। तो ये जो सॉन्ग है वो तो बहुत ही हिट है, और अभी इसका जो टाइम है वो इसको मिलेगा तो बहुत हिट जाने वाला है, ये तो मुझे पता है। क्योंकि अबीर अरोरा जो है आर्टिस्ट बहुत अलग लेवल के आर्टिस्ट है। जब से मैंने उनका जो कंगना तेरा नहीं सुना है ना भाई साहब, मुझे अलग ही एक आर्टिस्ट इनके अंदर नज़र आता है, और ये खुद है बराबर। अभी एक है कि अखिल रेदू बराबर जो है आर्टिस्ट, वो पर अभी रेरोरा सर का एक सॉन्ग है वो बहुत हिट हो गया जो कंगना तेरा नहीं है। तो ऐसे कई सारे आर्टिस्ट हैं उनका जो हमको देखने को और उनका जो रिएक्शन देने का हमको मौका मिलेगा हम जरूर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देंगे, पर आप सबका जो प्यार ऐसे मिलता रहेगा तो हम जरूर देंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। तो मिलते हैं, बाय बाय।